तो फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं। देखिए आगे सलीम भाई जा रहा है, अभी नदी पहुंचने में और 10 मिनट और लगेगा दोस्तों, तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो हाय गैस, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल यूट्यूबी ब्लॉग में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। तो गैस अपना जो गला है अभी भी ठीक से ठीक नहीं हुआ हो पाया है, तो थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोग को नदी की ओर लेके चलूँगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं अपना सलीम भाई और अनुदीप और अपना छोटा वाला बेटा, चार पाँच लोग हम लोग मिलके जा रहे हैं दोस्तों नदी, तो जा रहे हैं मछली मारने दोस्तों हम लोग वहाँ। तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को, क्योंकि पहली बार हम लोग भी नदी जा रहे हैं, कई दिन हो गया है हम लोग नदी नहीं गए हैं, तो आज हम लोग टाइम निकाल के फुर्सत में नदी जा रहे हैं दोस्तों मछली मारने। तो दिन भर का हम लोग का आज का प्रोग्राम बना है मछली मारने का, तो चलिए वहीं पर आप लोग को दिखाएंगे हम लोग कैसे आज मछली मारते हैं और कितना मार पाते हैं, सब चीज़ आप लोग को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और कैसे इसका सिस्टम बनाए हैं मारने के लिए, हम लोग देहाती जुगाड़ में कुछ ऐसा सिस्टम बनाए हैं दोस्तों मछली मारने के लिए, और उसी से हम लोग आज दिन भर मछली मारेंगे। और लगभग हम लोग यहाँ से जाएंगे दोस्तों 4 से 10 किलोमीटर के अंदर में। तो चलिए कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में, और जो जो मेरे चैनल में नए आए होंगे दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटा को ऑल पेज पर जाकर सेट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए काफ़ी बड़ा बड़ा मछली मिलता है दोस्तों नदी में, आज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नदी, तो आज हम लोग को एक प्रोग्राम बना के रखे हैं, क्योंकि हर समय हम लोग को काम में बिजी रहते हैं, तो टाइम ही नहीं बन पाता है दोस्तों, हम लोग कहीं जाने आने के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों नदी, और चलिए वहीं पर लेके आप लोग को दिखाता हूँ आज हम लोग किस वजह से क्या कारनामा करने जा रहे हैं नदी। बहुत ही मस्ती करने वाले हैं, काफी मस्ती करने वाले हैं नदी में। और इधर देखिए सलीम भाई और अनुदीप भाई इधर, हेलो, तो सभी लोग हाय कर दो थोड़ा से। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्ट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नदी, तो काफी टाइम के बाद में जा रहे हैं नदी। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में और बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग नदी के लिए निकल चुके हैं, बाजा गाजा के साथ में जा रहे हैं। देखिए हम लोग सभी लोग, इधर मेरा छोटा वाला बेटा और इधर अनुदीप ड्राइव कर रहा है, ऑटो चला रहे हैं दोस्तों, ऑटो का भी मजा ले रहे हैं। अभी हम लोग ऑटो में बैठने का भी मौका नहीं मिलता है दोस्तों, तो बहुत देर के बाद में ऑटो में बैठे हैं, तो चलिए ऑटो का भी मजा ले रहे हैं। तो चलिए बने रहिए दोस्तों आप लोग, नदी के पास में लेके आप लोग को दिखा देंगे क्या क्या के लिए जा रहे हैं और क्या काम है, तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो फाइनली दोस्तों जहां हम लोग जा रहे हैं वहां जंगल पड़ा है, और पनखेता जंगल बोलते हैं दोस्तों इसको, रास्ता है हम लोग लगभग अभी 4 किलोमीटर से ज़्यादा आ गए, और कुछ दूरी 5 किलोमीटर बचा है, तो अभी हम लोग जाएंगे रास्ते में दिखाएंगे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो वीडियो भी बने रहे। बड़ा बड़ा जानवर सब भी रहता है दोस्तों इधर, सड़क में आ जाता है कभी कभी देखने को मिल जाता है, आज मौका मिलता है कि नहीं देखते हैं, हाथी उती भी रहता है इधर जंगल में। तो इसके बाद में दोस्तों फिर से गांव है घासीडी, तो वहां से भी एक जने जाएंगे, अपने भैया जी है, तो उनके लिए भी वहाँ पे रुकेंगे। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में, आप बने रहिए, नदी का नज़ारा भी दिखाएंगे आप लोगों को, काफ़ी बड़ा नदी है दोस्तों मैनी नदी, मैनी नदी, तो चलिए बने रहिए आप। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, बाजा वजा बजाना है दोस्तों, तो यहाँ पे सेटअप बन रहा है, देखिए सेटिंग, जंगल में कहाँ बिजली मिलेगा, जंगल में कहाँ बिजली मिलेगा, लेकिन हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो आज हम लोग जिस काम के लिए निकले हैं तो काम हो पाए, तो इधर देखिए ये है इन्वर्टर है दोस्तों ये, और इसमें लगना है ये लगेगा दोस्तों बैटरा,
जो हम लोग इधर देख पा रहे हैं आप लोग ऑटो में, इसमें से हम लोग निकाल के बना रहे हैं। ये देखिए तो छोटा सा ये ट्रिक है दोस्तों, जो हम लोग का काम के लिए यूज में आएगा। ये जब नदी में हम लोग पहुँचेंगे तो आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। और ये क्या काम का यूज आता है दोस्तों, आप लोग को नदी पर नदी लेके दिखाते हैं, पूरा डेमो दिखाएंगे इसका। तो चलिए आप लोग बने रहिए। और सलीम भाई अपना जो कारीगर है इसको बनाने के लिए फर्स्ट है दोस्तों ये, तो हर किसी काम में माहिर है। जिसको भी अगर छोटा छोटा कुछ ऐसे डेमो का काम पड़ेगा तो आप लोग सलीम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए। बैटरी आप वहां फ्री के ला ले सकते हां ट्रेन 12 पर उठ सकती है एमपीआर वगैरह ही वैसे मान ला ये लोग कैमरा को वहां पे माने सेल को उठ उठा वाले इंद्रा को वहां कहीं दे बात करने अरे 2000 3000 माया ले मोबाइल चार्ज करना है तो खुदा दो नहीं करते कंको गिरकर से बरास। तो दोस्तों ये देखिए ये सेटअप तैयार। इसमें करंट सप्लाई देना है, करंट चले जाना है नदी, करंट सप्लाई देंगे इसमें। उसके बाद में देखिए छोटा सा ये चीज है दोस्तों, इससे हम लोग चलाएंगे डीजी। आदमी काफी खर्चा करते हैं लेकिन हम लोग कम खर्चे में अपना जो है जुगाड़ में ये देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं नदी के लिए। और पूरा बर्टेनियल निकल चुका है हम लोगों का देखिए। तो चलिए आज नदी में काफ़ी मजा आने वाला है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो। तो सलीम बताएगा चलिए यहाँ से कितना गाइड लेंगे आज का, टूरिस्ट गाइड भी मैं करूँगा। तो चलिए और मेरे आवाज़ से आप सुनिए, पूरा एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या करेंगे। सलीम भाई ये बता दो कि यहाँ से नदी कितना दूर है। यहाँ से लगभग अभी 2 किलोमीटर दूरी है, अभी पैदल जाना है हमको अभी। तो चलिए दोस्तों वहाँ पहुँचेंगे फिर तैयारी करेंगे, थोड़ा बहुत आधा कुछ तैयारी हो गया है, अभी पूरा तैयारी करेंगे उसके बाद पिकनिक। तो चलिए आज हम लोग का पिकनिक को आप लोग देखिएगा दोस्तों, आज क्या क्या बनाते हैं हम लोग वहाँ पे। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में और बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं। देखिए आगे सलीम भाई जा रहा है, अभी नदी पहुंचने में और 10 मिनट और लगेगा दोस्तों। तो चलिए बने रहिए आप लोग दो। तो दोस्तों अपना जो उदय भाई भैया जो है आगे आगे चल रहे हैं और बहुत बता रहे हैं, नज़दीक पहुंच गया नदी, लेकिन नदी तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में, नदी पहुंचने के बाद में आप लोग को मैं दिखाता हूं हम लोग कौन सा प्रोग्राम के लिए आए हैं। तो चलिए बने रहिए। तो चलिए दोस्तों जैसे तैसे हम लोग जंगल को पार कर चुके हैं और आए अभी नदी पहुँच गए हैं। और इधर देखिए पीछे तरफ बन रहा है अपना सेटअप। तो दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, हम लोग मजाक में ऐसे ही बोल दिए थे कि पिकनिक आए हैं करके, हम लोग को क्या है दोस्तों टाइम मिलता ही नहीं है, तो हम लोग आज आए हैं मछली मारने नदी। तो देखते हैं आज हम लोग सलीम अनुदीप और आलोक भैया और इधर जो अपना घासीडी गाँव से अपना जो उदय भैया है उनके साथ में आए हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग को जानकारी नहीं है नदी कहाँ है क्या है, हम लोग आते नहीं हैं। तो उदय भैया को अच्छी तरीके से नदी का जानकारी है तो उनको हम लोग लेके आए हैं मछली पकड़ने के लिए। तो कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में, आज काफ़ी सारा मछली आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और ज़्यादा अगर हम लोग मछली मिलता है तो कोशिश करेंगे, आप लोग भी बने रहिए वीडियो में और आप लोग को भी देने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में दोस्तों, आज हम लोग नदी में दिन भर का मछली मारने के लिए आए हैं हम लोग, क्योंकि स्पेशल आज हम लोग टाइम निकाल के आए हैं, हम लोग को टाइम ही नहीं रहता है, हम लोग घर में कुछ कुछ काम करते रहते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी काम होता है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए। और इधर बाबू आ गया है देखिए, बाबू को भी लेके आए हैं आज, स्कूल इनका छुट्टी कराए हैं। तो चलिए बने रहिए। तो चलिए देखिए हम लोग का ये सिस्टम है और हम लोग मार रहे हैं मछली, अभी देखिए मैं मछली निकालूंगा। उठा बनती तो ये देखिए दोस्तों पहला बोहनी हो चुका है,
तो निकल जाएगा, मेरे पकड़ते जाए ले। तो ऐसे हम लोग मछली मारते हैं इधर पे साहब। ये है मछली मारने का सिस्टम, देखिए हम लोग देहाती जुगाड़ में बनाए हैं मछली मारने का सिस्टम, जो बैटरा और ठंडा सीजन उधरा टोंगे। ले एरिक पकड़ इसको, रुको बाबू। तो बाबू कैसा लग रहा है मछली मार रहे? बढ़िया। कितना मारा मछली? ऐसा लग रहा है ना, दिखाओ इधर नीचे करके। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा मछली। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग मछली के खदान में आ चुके हैं, काफ़ी सारा मछली मारे हैं। इधर सलीम भाई, उदय भैया, सभी लोग, हम लोग मिलजुल के चार पांच लोग आए हैं मछली मारने। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी मछली मिल भी रहा है। तो पूरा मछली मारेंगे, उसके बाद में ये झोला में कितना मछली, कितना हम लोग पकड़ पाते हैं, सब चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। इसमें लगभग हम लोग आज सुबह 9 बजे के लगभग आए हैं, तो शाम तक हम लोग मछली मारेंगे नदी में। पूरा दिन आज हम लोग प्रोग्राम बना के आए हैं दोस्तों मछली मारने के लिए। मौका ही नहीं मिलता है ऐसा, आज तो पहली बार मौका मिला है बहुत दिन से। तो चलिए, इधर अनुदीप भाई पकड़ रहे हैं मछली और ला के झोला में डाल रहे हैं। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आज का ब्लॉग में मछली हम लोग कैसे मारते हैं। तो चलिए दोस्तों, चारों पांच लोग आए हैं, लेकिन इनको देखिए, गधा बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ। तो मैं गधा बना हूँ, देखिए बैटरी और इसमें इन्वर्टर को लेके चल रहा हूँ धीरे धीरे इनके पीछे पीछे, क्योंकि इन लोग मछली मार रहे हैं। पूरा आज का मछली का जो मज़ा है तो इन्हीं लोग लूट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं तो लूट नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं धोया हूँ इन्वर्टर और बैटरी। तो चलिए कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में, आज मैं ऐसे ही दिन भर ढो के चलूँगा बैटरी को। तो चलिए बने रहिए आप लोग। पूरा फिसलन पत्थर है दोस्तों, तो थोड़ा सा संभल के भी
मछली मार रहे हैं भैया लोग, क्योंकि फिसल रहा है। अगली बार एक दर्जन झंझरी लेंगे दोस्तों, क्योंकि सलीम भैया बोल रहे हैं कि दो ठी बस झंझरी है तो मछली ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा है। झंझरी बोले तो देखिए दोस्तों, दोनों कैठो काम आता है। देखिए इसमें से हम लोग बनाते हैं रोटी और उसके बाद में मारते हुए मछली भी मारते हैं झंझरी से। तो लगभग एक डेढ़ किलो हम लोग मछली मारे हैं दोस्तों। आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में, दिखाएंगे बाद में कितना मछली मारे हैं। तो अभी थोड़ा सा बिजी है मछली मारने में, तो अभी नहीं दिखा पाएंगे, तो बने रहिए आप। हार था काम इंजॉय में बल गई है। सलीम भाई मजा आ रहा कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है आज, इस तरह तनाक मिर्ची में दे रहा हूँ मछली को। अच्छा, हम लोग का हेड बना है दोस्तों सलीम भाई, वो देखिए मछली मार रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादा धूप कर रहे हैं लोग। और आलोक भैया कैसे लग रहा है मछली मार के? मजा आ रहा है ना? बड़ा बड़ा मछली मिलता है कि? इन लोग काफी बिजी हो गए हैं दोस्तों मछली मारने में। और मैं बना हूँ गधा, ये जो अपना सिस्टम है बैटरी, इसको लेके मैं चलता हूँ इनके पीछे पीछे। मछली को मारने का मजा तो इन्हीं लोग ले रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज हम लोग नदी आए हैं, मछली मार रहे हैं, काफी मजा भी आ रहा है दोस्तों। और लेकिन एक तरफ से सजा भी है, क्योंकि मैं बैग लेके चल रहा हूँ, इनका पूरा सामान जो है पैंट कपड़ा चड्डी उड्डी सब लेके चल रहा हूँ, बैग में डाला हूँ। तो उधर बैटरी है, तो मार रहे मछली। और लगभग हम लोग मारे होंगे मछली दोस्तों, एक आध किलो लगभग मारे हैं। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए वीडियो में। और जो हमारे गांव से ही नीचे आता है, लगभग हम लोग दोस्तों आए हुए हैं 25 से 20 किलोमीटर के अंदर, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं नदी में, नीचे से ऊपर मारते मारते मछली जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद में हम लोग स्पेशल आज मछली मारने के लिए छुट्टी लेके आए हैं दोस्तों, और नदी में मार रहे हैं मछली। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए, शाम को आप लोग को दोस्तों सब्जी उब्जी देंगे, बने रहिए आप लोग। तो फाइनली गाइस देखिए कितना मछली हम लोग मारे हैं, देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ नीचे क्या क्या मछली है दोस्तों नदी में। पहली बार हम लोग आए हैं, तो नाम तो जानते नहीं है, लेकिन ये है दोस्तों आधा देखिए दोस्तों, एक मछली भाग गया आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, हम लोग का लॉस हो गया। तो ये देखिए खकड़ा मछली है दोस्तों, और इसर रही है। हाँ मान लो नहीं नहीं उठा बाबू, खकड़ा खकड़ा इसको हम लोग बोलते हैं खकड़ा, और चावड़ा वाला बकरिया बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए बने रहिए। चलिए
ये फाफड़े नहीं सजा सको हम आधा अंठा और खीर खेदे अलगास का सतले आर्थिक माखा करो इसे अंदर। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आए थे सुबह लगभग 9 बजे, तो 1 बज चुका है। तो सुबह से आए हैं, खाना बस खाए थे, तो अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है। तो हम लोग थोड़ा बहुत रोटी वोटी बना के लाए थे, एक जो पिकनिक टाइप से बाहर खा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए इधर अनुदीप लोग हैं और इधर हम मेरा छोटा बेटा। तो बाबू इधर देखो क्या कर रहा है बता दो। खाना खा रहे। क्या सब्जी लेके आया था? फूलगोभी लेके सब्जी आया था दोस्तों। तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, फिर से लग जाएंगे मछली मारने में। तो कंटिन्यू करिए आप लोग वीडियो में, और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, हम लोग काफ़ी मछली मारे हैं, तो चलिए बने रहिए। और ये देखिए हम लोग लाए थे मुर्गा का रोटी हमारे देहाती गाँव में, और इधर देखिए खाना, मछली मारे हैं, झोला में मछली है, देखिए आप लोग ये है ना मारे हैं दोस्तों। चलिए तो नदी का लुक उठा रहे हैं दोस्तों, ये नदी का हम लोग आए हैं मछली मारने। जीप नदी की मैनी नदी, मैनी नदी है दोस्तों, मैं भी नहीं आया हूँ तो नहीं जानता। तो चलिए बने रहिए। तो सुबह 9 बजे से मारते मारते देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखा रहा हूँ इतना मछली मारे हैं हम लोग, लगभग 1.5 किलो के आसपास होगा। तो काफ़ी बड़ा बड़ा मछली भी है ये देखिए, ऐसे दिखाने के चक्कर में तो दो चार मछली मैं भगा दिया दोस्तों, पानी में चला गया। चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत करेंगे तो और मिलेगा, आप लोग बने रहिए। ये है मछली, नदी का मछली ऐसा होता है दोस्तों। आप लोग की तरफ कैसे कैसे मछली होता है आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। हमारे तरफ तो इस तरीके से मछली होता है, आप लोग कभी देखे नहीं होंगे दोस्तों, लोग मैं भी तो नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार आया हूँ मछली मारने। तो चलिए बने रहिए। तो फाइनली गाइस खाना वाना खा लिए, रोटी वोटी लेके आए थे खा लिए, अभी बढ़ रहे हैं आगे अपने मिशन की ओर। झलका थी और फिर से अभी मछली मारने के लिए हम लोग चालू करेंगे अपना जो सिस्टम है उसको। तो चलिए बने रहिए आप लोग, और ऐसे ही हम लोग मछली मारते हैं दोस्तों गांव देहात में, अपना जुगाड़ जो बना हुआ है। तो इधर देखिए पीछे तरफ लगे पड़े हैं लोग। तो चलिए दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों देखिए ये काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों पिकनिक के लिए, काफ़ी अच्छा से यहाँ पे देखिए यहाँ का नज़ारा, नदी का मैनी नदी है दोस्तों ये, और इधर देखिए पानी, और काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों, पिकनिक आ सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कभी भविष्य में टाइम मिलेगा तो आएंगे यहाँ पिकनिक, जब बरसात का दिन रहता है तो दोस्तों यहाँ से पूरा पानी जाता है। अभी धूप का दिन आ गया है तो पानी कम हो गया है नदी में। ये कोई आया हुआ है मछली मारने के लिए, वो भी मछली उछली मार रहे हैं, सब जाल लगाए हैं। तो इधर देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है मछली मारने में भी, देखिए इधर आगे हमारा पूरा पलटन जा रहा है। इस साइड हम लोग नीचे के साइड मछली मार रहे थे दोस्तों, इधर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर के साइड। तो पिकनिक स्पॉट काफ़ी अच्छा है दोस्तों यहाँ पे, अगल बगल से कोई भी होंगे तो आ सकते हैं। देखिए ये अपना मैनी नदी है दोस्तों, और तो चलिए दोस्तों हमारे जो साथी लोग हैं सब चल रहे हैं आगे, तो मैं भी चलता हूँ, पीछे पीछे हूँ मैं।
ये देखिए दोस्तों, पटरा मछली, पटरा है, देख रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं मछली। ऐसा रहता है मछली नदी में। इतनी खुला खुला तो ना ले, समय मलका भरे हैं। आप दे, आप दे इतनी। ये है झटका का कमाल, बैटरा। दिखाइए तो भैया मछली, ये देखिए ऐसे मछली निकलता है नदी में, काफी ताजा ताजा है, ताजा मछली है, अच्छा मछली है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग लगभग 2 से 2.5 किलो मछली मारे हैं और अभी चलते हैं घर, क्योंकि सुबह से आए थे, अब 4 बज गया है ना सलीम भैया, 4 बज गया है ना। और काफ़ी अच्छा लगा आज मछली मार के, तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आज हम लोग नदी आए थे और ऐसा मौका नहीं मिलेगा बार बार हम लोग को, देखते हैं और जब कभी भी टाइम मिलता है तो फिर से नदी आएंगे, फिर से आप लोग को मछली का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो चलिए कितना मछली मिला है घर जाके दिखाते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है। तो चलते हैं अभी हम लोग घर, यहाँ से अभी हम लोग को लगभग 1 घंटा का सफ़र करना पड़ेगा। तो चलिए नदी में अगले दिन मिलेंगे, अभी नदी से लेते हैं विदा आप लोग से। तो चलो बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग नदी से आ गए घर और यहाँ पे अभी मछली बांटा कर रहे हैं ना लोग। ये देखो मछली, इधर सलीम दिखा दो केकड़ा, ये है केकड़ा। और इधर देखिए नदी का मछली दोस्तों, सांप टाइप का मछली होता है। आप लोग की तरफ क्या मछली बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम लोग की तरफ इसको बोलते हैं कुचिया, कुचिया मछली। और इधर देखिए ये मछली है दोस्तों, हम लोग की तरफ इसको बोलते हैं गीसो, गोंगड़ो गीसो। और ये चक्कड़ बकरिया, और सीली केकड़ा। और ये है दोस्तों हमारे तरफ इसको बोलते हैं झोरी मछली। और ये है खखरा। तो आज का सब्जी तो हो गया दोस्तों दिन भर का हम लोग का, लेकिन टाइम भी दिन भर बर्बाद हुआ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग 6-7 लोग हैं तो दोस्तों हो जाएगा आज का हम लोग का कढ़ाई में भूजने के लिए। तो चलिए बने रहिए। Thank you.
तो दोस्तों आप लोग को हम लोग ने बताया सुबह हम लोग नदी जा रहे कार्यक्रम के लिए, तो हम लोग का यही था कार्यक्रम ना सलीम, यही था। तो देखिए हम लोग मछली लेके अच्छे से बंटवारा किए, आज का नदी का टूर भी हो गया, आपको सभी को दिखाया किस तरह से हम लोग काम किए। तो चलिए इतना हम लोग ले रहे हैं घर, सुबह का आया हुआ है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अभी घर, शाम अभी लगभग 5 बज रहा है। तो चलिए दोस्तों यही से वीडियो को खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रहेगा, हम लोग का पूरा टीम भी अच्छे से रहेगा दोस्तों। तो